प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार के लिए बिहार के नवादा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक विशाल सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी की गारंटी इंडिया अलायंस को पसंद नहीं है। इंडिया अलायंस के एक नेता ने कहा है कि मोदी आपको जो गारंटी देते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, क्या आप मोदी की गारंटी से इतने डरे हुए हैं? पीएम मोदी ने बिहार के नवादा से नाम लिए बिना पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, मोदी ने गारंटी दी थी कि देश आंख दिखाने वालों को सबक सिखाएंगे। देश जो पहले आंख दिखाते थे, अब वे आटे के लिए भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। आसवार इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना, इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए, इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। दो दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, एक रुपया, पांच रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से? इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से? इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से? उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया? क्या ये शोभा देता है? क्या शोभा देता है? क्या इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा, इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। और इसलिए ये भी जानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी ऐसे ही चलती रही तो इनकी वोट बैंक की दुकान ही बंद हो जाएगी।